बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ में रखे। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक विलेज में मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं विलेज की तमाम औरतें इस जगह पर मौजूद हैं। इसके अंदर ज़्यादातर औरतें विंडोज़ हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। बेचारी इंतहाई परेशान है क्योंकि ये अपने घरों को आज छोड़ कर आई हैं। इस जगह पर इकट्ठी हुई हैं। इनका इकट्ठा होने का मकसद यही है कि ये बेचारी गरीब है क्योंकि ये दिहाड़ीदार तबका से ताल्लुक़ रखती हैं। दिहाड़ी करती हैं, बेचारी मजदूरी करती हैं, जिससे ये अपने बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से पालती हैं। ये देख सकते हैं हमारी सिस्टर जान खड़ी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बस्ती के हालात कैसे चल रहे हैं। आप ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं कि ये मजमा इकट्ठा किया गया है, यहाँ पर बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं, ये यहाँ पर क्यों इकट्ठी हुई हैं? ये रोजगार की इकट्ठी है, बेरोजगार हैं, सारे परेशान हैं, रोजी की वजह तो ये तां वास्ते घर काम कर दें, बैठे तो काम करें, इन वास्ते बैठन था वो तो माह रमजान आ गए, घर का काम करे सन, जब तेरे मेरे बर्तन वेसन, बैठे तो सिलन तो पेसन, ज रोजे रख सन, ये सारे बंद महंगाई की वजह तो परेशान हैं। मजदूर बंद ने कि मजदूरी पूरी करके बाल पालन, ये इं वजह तो है, पेट की करन, बालों की करन, रोजे रखन, तो माह रमजान सामने थोड़े, ये इं वजह तो परेशान हैं। कोई बेवन कि किमें बाल कि अठ बाल हैं, तो एक बंदा करने वालों क्या पूरी करे, महंगाई थोड़े सामने है, इन्होंने हेल्प थी वे इं वजह तो बैठे सारे को इं वजह तो इकट्ठा किए से बेरोजगार असा परेशानी को देख पे। अब यहाँ पर विंडोज ज़्यादा औरतें हैं, बेवा औरतें बैठी हुई हैं, तो इनका कमाने वाला कोई नहीं है? कोई कमाने वाला हो गया तो ही था जैसे बाजा, ये तो समझो कोई बाद घर अपना घर छोड़ के और इकट्ठे थे ना, इन्हें वीडियो बनवे ना, अगर परेशान है तो वाम इतनी इकट्ठी थी बैठी, इन्हें तो नहीं बांध देता, इन्हें कोई भी औरत आके बाहर थी जैसे जिम्मेदार चौखे आए बैठे ने, जैसे गरीब गुरब बैठाए बैठे कटे थोड़े सामने। तो मेरी बहन, अब इनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की इनके अच्छा ज़रूरत है इनको, क्योंकि ये इकट्ठी हुई हैं, इनकी वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ये सारे घर काम करे बैठे तो सिलन थे, ये खर्चे तो परेशान हैं, सौदे तो राशन तो यही वजह तो मार रमजान है, यही वजह तो परेशान है। तो राशन इनके घर में मौजूद नहीं होता? कैसा कह नहीं मौजूद हो गया तो वाले इतना बांधे हैं, यही सोच भी नहीं। अल्लाह पाक मेरी बहन आसानी फरमाए। तो देख सकते हैं ये विलेज वालों की ये ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये हमारी सिस्टर बखूबी जानती है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए क्योंकि ये तमाम विलेज वाले एक परेशानी में मुबतला हैं। वो परेशानी इनकी ये है कि रमज़ान करीम आ गया है लेकिन इनके घर में राशन मौजूद नहीं होता, बेचारी सारे के सारे रोज़े रखती हैं, तो सहरी अफ्तारी के टाइम इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दरपेश होती हैं क्योंकि ये हमारी माएँ बहनें काम करती हैं विलेज में। आपको पता होगा बखूबी कि औरतें दूसरों के घरों में काम करती हैं, कुछ ईंटें बनाने के लिए भट्ठों पर काम करती हैं। अगर ये हमारी माएँ बहनें भट्ठों पर ईंटें बनाएंगी तो ये रोज़ा कैसे रख सकेंगी? इनकी यही परेशानी है कि इनको राशन दिया जाए ताकि ये जो हमारी माएँ बहनें बैठे हुए हैं तमाम की तमाम आसानी से रोज़ा रख सकें, आसानी से रोज़ा अफ्तार कर सकें। तो हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि माह रमज़ान आ गया है तो रोज़ा कैसे रखेंगी? तो देख सकते हैं माँ जान बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरे नादी हूँ। अम्मा जी आप बताएं कि कैसे ज़िंदगी गुजर रही है, इस जगह पर आप इकट्ठी हुई हैं, क्या वजह है? मेरा पोत्र गरीब है, गुर्बत बड़ी है, माह रमज़ान आ गए, रोज़े रखने अल्लाह राशन सा। सारे रोज़े रखती हैं? जी हाँ जी हाँ सारे। तो अगर आपको राशन दिया जाए तो दुआ भी करेंगी? हाँ दुआ ना करे, खास दुआ ना करे, बहु दुआ करे अल्लाह बहु दे, अल्लाह जन्नत में। आमीन आमीन।
तो अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मुसर्रत। अम्मा जी आप ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे तीन। तीन बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं? एक बेटा, तो एक बेटी, दो बेटे। आपके खावंद क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी यस होटल दे वेंदे 100-200 खाना दे बस गुजारा औखा थी वेंदे परेशानी ज्यादा थी वेंगी। तुम अब रमजान शरीफ का पता है तने पूरा महीना बरकत आएगी अल्लाह इन दे राशन पानी मिलला वने रोजे रखूं इंशाल्लाह दुआ दे सुन दिलु भी दे। तो अब आपको रमजान करीम में राशन की जरूरत है? हां जी। तो अगर आपको राशन दिया जाएगा तो देने वालों को भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह को माल से बरकत करते जान से बरकत करते अल्लाह ताला इतना देवे उनको को भी देवे अल्लाह ताला उन्हें दे तो सब को भी अल्लाह ताला आमीन तरफ मिलला बने आमीन। तो देख सकते हैं ये हमारे तमाम माएँ बहनें जो बैठी हुई हैं इनको राशन की जरूरत है। मेरी माओ बहनों अगर आपको राशन दिया जाए इस माह मुकद्दस के अंदर तो आप दुआ भी करेंगी? तो देख सकते हैं इन तमाम फैमिलीज़ को राशन की ज़रूरत है। अगर इस माह मुकद्दस के अंदर इन फैमिलीज़ को राशन दिया जाए तो बखूबी ये आसानी से रोज़े भी रख सकेंगी और इफ्तार भी करेंगी। दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व ताला हम सब को इन फैमिलियों की मदद करने की तौफीक की अज़ीम अता फरमाए और मिलकर अल्लाह पाक की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें, इनको इनका हक दें ताकि ये आसानी से इस माह मुकद्दस के अंदर रोज़े रख सकें और इंशाल्लाह इनकी ज़रूर हेल्प की जाएगी क्योंकि ये हकदार फैमिलियाँ हैं। यह आज घर छोड़कर आई हैं, अपने बच्चों को छोड़कर आई हैं, मजदूरी करती हैं बेचारी, आज मजदूरी करने भी नहीं गई। यहाँ पर इन्होंने हमें बुलाया ताकि इनकी हम फरियाद आप तक पहुँचा सकें क्योंकि ये कैमरे की तरफ फेस कर रही हैं। इनका ये मकसद नहीं है कि ये आपको दिखा रही हैं, इनका मकसद भी यही है कि इस माह रमजान के अंदर, इस माह मुकद्दस के अंदर हम रोज़े रख सकें ताकि क्योंकि नफली इबादत भी होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनको मसाइल दरपेश होते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। अगर आप हसब तौफीक हैं जो कि अल्लाह पाक ने आपको हलाल रिज़्क दिया हुआ है उस हलाल रिज़्क में से अगर हमारी इन माओ बहनों की ख्वाहिश पूरी होती है, अगर ये हमारी माएँ बहनें रोज़े रखती हैं तो यकीनन माह रमज़ान में ये हमारी माएँ बहनें आपको दुआएँ देती रहेंगी। दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक की अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह पाक इन फैमिलियों की हम सबको मदद करने की तौफीक की अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तू है यकता, तू है जाहिर, तू है बातिल या खुदा। तू है यकता, तू है जाहिर, तू है बातिल या खुदा। भूल में भी तेरी रंगत देखता मैं रह गया।